है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा, तो वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आप आए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर सकते हैं, इससे मेरी एनिमेशन और एनिमेशन ट्यूटोरियल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँचता रहेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के अंदर जो है फ्लिपा क्लिप ऐप को ओपन कर लेना है। इसका जो लोगो है वो इस तरह से आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फ्लिपा क्लिप ऐप है। आप इसको बआसानी प्ले स्टोर से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं सबसे पहले इसको जो है ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपको नीचे यहाँ पर जो है प्लस का आइकन बना दिखाई दे रहा होगा, आपने सिंपली इसके ऊपर जो है क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का एक नेम क्रिएट कर लेना है, लाइक कुछ भी हो सकता है ये नेम। जैसे मैं यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट 1 लिख लेता हूँ। आपने डन के ऊपर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है कैनवास साइज लिखा जो है दिखाई दे रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और आप अपने जो भी प्लेटफॉर्म के लिए आप वीडियो बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए, वीमो के लिए, फेसबुक के लिए, सब के लिए आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से जो है इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर 1080 पे मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ बैक पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, बट यहाँ पर ये सामने जो है दिखाई दे रहा है आपको फ्रेम पर सेकंड लिखा नज़र आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो है इसको 24 से लेकर अगर आप 28 तक बनाएंगे तो आपका जो एनिमेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसको जो है इसकी वैल्यू को मैं कम करता जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बॉल से आपको पता चल रहा होगा कि आपकी एनिमेशन जो है वो किस तरह लास्ट में जो है दिखाई देने वाली है। तो मैं इसको यहाँ पर जो है 28 पर सेट कर देता हूँ। 28 पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है वो दिखाई दे रही है, बॉल बाउंसिंग। आपने बैक पर क्लिक करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट आपने यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है पेन टूल मिल जाता है, पेन टूल पर आप क्लिक करेंगे। दोबारा से आप पेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर जो है ब्रश मिल जाएंगे। यहाँ पर जो एनिमेशन के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ ये ब्लैक वाला जो पॉइंटर है, मैं यही जो है वो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपने जो है बैक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो ये सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा है, इससे आप पेन की जो नोक है उसको मोटा या पतला कर सकते हैं। उसके नीचे आपको कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से किसी भी तरह का जो अपने पेन का जो है कलर रख सकते हैं। आपने बैक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर जो है इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है, ये भी सेम इसी तरह से। इसके बाद आपको तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो है क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी क्रॉप करके कहीं भी जो है यहाँ पर मूव करा सकते हैं। इसके नीचे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है और सबसे लास्ट में जो है आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जो है साउंड का आइकन बना दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके जो है यहाँ पर जो है कोई भी ऑडियो जो है ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको ऊपर कॉर्नर पर प्लस का आइकन बना दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑडियो लाइब्रेरी, ऑडियो रिकॉर्ड, आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लास्ट में जो है अपने रिकॉर्डेड ऑडियो जो पहले से आपके मोबाइल में उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑडियो पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है नीचे कॉर्नर पर लेयर्स का ऑप्शन जो है वो शो हो रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो है लेयर्स जो है आप जितनी भी लेयर्स होंगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। अब यहाँ से जो है मैं बैक आ जाता हूँ। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने जो भी आप यहाँ पर जो है ड्रॉ कर रहे हैं आपने सब कुछ एक ही लेयर पे जो है वो ड्रॉ नहीं करना। आपने बैकग्राउंड को अलग लेयर पे रखना है और आपने जो आपका जो एनिमे जो करेक्टर है आपने उसको जो है अलग लेयर पे रखना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए होगी एक रेफरेंस फोटो या रेफरेंस वीडियो कि आपको पता चल सके कि आपका एनिमेशन जो है वो किस तरह का दिखना चाहिए या बैकग्राउंड में क्या चीज़ होनी चाहिए। और कोई भी रेफरेंस जो आपने ऐड करने के लिए ऊपर कॉर्नर पर आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, आपने सिंपली 3 डॉट्स पर जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐड इमेज का ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा होगा, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने उस फोटो जो आप अपने एनिमेशन में जो है यूज़ करना चाहते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके एनिमेशन के जो बैकग्राउंड है और जो करेक्टर है वो किस तरह से जो है खड़ा हुआ होगा या कुछ क्या चीज़ें जो है बैकग्राउंड में बनी होंगी, आपने उस फोटो को यहाँ पर ऐड करके अपने हिसाब से उसको जो है एडजस्ट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर जो एक फ़ोटो आपके सामने जो है यहाँ पर अपने पास जो है ऐड कर ली है।
अब हमने इसके ऊपर जो है ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर लेयर्स के ऑप्शन पर क्लिक करके एक न्यू लेयर को यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेना है। याद रखिएगा कि आपने जो है फोटो जो ऐड करनी है उसके ऊपर आपने कभी भी ड्रॉ नहीं करना, वरना आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। आपने एक न्यू लेयर ऐड करके उसके ऊपर ड्रॉ करना है, और फोटो वाली लेयर के ऊपर आपने इस तरह से जो है ओपासिटी को जो है कम कर देना है। अब यहाँ पर हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक बार मैं फिर देख लेता हूँ कि हमने जो है सही लेयर को जो है सिलेक्ट किया हुआ, और लेयर के ऊपर सिलेक्ट करके आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इसका जो ब्लैक बोर्ड है, ये क्लासरूम है, ये मेरी लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा वही फोटो जो है मैंने यहाँ पर ऐड की है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड को जो है ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें हम कलरिंग भी साथ साथ जो है करते जाएंगे। तो मैं इसे जल्दी जल्दी जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैं इरेजर को जो किस तरह यूज़ कर रहा हूँ। आपने भी जो है इरेजर को सिंपली इसी तरह जो है वो यूज़ करना है। जो भी एक्स्ट्रा आपको पार्ट दिखाई देगा आपने उसको इरेजर से जो है रिमूव कर देना है, और अगर आप कुछ ज़्यादा रिमूव हो जाता है तो आप ऊपर जो आपको दो एरो बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, एक से आप बैक कर सकते हैं और एक से आप जो है अगर ज़्यादा इरेज हो जाए तो उसको वापसी भी ला सकते हैं। तो मैं इसे जल्दी से थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर जो है सेट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है कलर करेंगे। कलर करने के लिए आपने सिंपली जो कलर के आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप अपने दिमाग से कोई भी जो है कलर यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने पहले ही जो कलर जो यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव किए होते हैं, मैं सिंपली उन्हीं कलर्स को जो है यहाँ पर अपने एनिमेशन में ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासरूम का जो मेरे को बैकग्राउंड चाहिए था वो मेरे पास तैयार है। अब मैंने इस लेयर को जो ऑफ कर देना है। अब मैंने एक और न्यू लेयर जो है यहाँ पर ऐड करनी है, और उस लेयर के ऊपर हमने जो है अपना करेक्टर ड्रॉ करना है, ताकि हम उसे इजीली जो है मूव करा सकें, ताकि हम उसके हाथ वाथ जो है उसे भी आराम से जो है मूव करा सकें। सो यहाँ पर जो बैकग्राउंड में जो इमेज है वो सिर्फ हम रेफरेंस के तौर पर यूज़ करेंगे, बट हमारा जो करेक्टर है वो हमें फ्रंट की तरफ जो है देख रहा होगा। अभी जब मैं आपके सामने जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें मेरा करेक्टर जो है वो सामने की तरफ जो है देख रहा होगा। हमने सिर्फ इस फोटो से एक रेफरेंस लेनी है कि करेक्टर कितना बड़ा होना चाहिए और कहाँ पर जो है यहाँ पर खड़ा हुआ होना चाहिए। और आपने ड्रॉ करते हुए एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने जो है किसी भी लाइन को जो है बीच में से छोड़ना नहीं है, वरना आप कलर करेंगे तो वहीं से आपका कलर जो है लीक होकर दूसरी जो आपका मतलब कि आपके जो बैकग्राउंड है, जब आप दोनों लेयर्स को आपस में एंड में मर्ज करेंगे तो आपके जो बैकग्राउंड है उसमें भी वो कलर जो है मिक्स हो जाएगा। तो आपने कहीं से भी जो है कोई पेंसिल का जो यहाँ पर ड्रॉ करना है आप उसको लीक नहीं छोड़ना, आपने साथ साथ मिलाकर जो उसको रखना है। यहाँ पर जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये खाली रह गया था, तो इसको जो है आपने फिल लाजमी से करना है। अब यहाँ पर हम जो है साथ साथ जो है कलरिंग, हम सबसे पहले जो है मैं इसके हेयर्स में जो है ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है कलर कर दिया है। अब यहाँ पर जो है इसकी आइज़ जो हैं वो भी ड्रॉ ड्रॉ कर लिया। पेन टूल को सिलेक्ट करना है और आइज़ ड्रॉ कर लेनी है। ये वाली आइज़ मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है और ये इतनी ज़्यादा कूल भी नहीं लग रही। इसको दोबारा से बैक करके एक दोबारा से हम यहाँ पर जो है आइज़ ड्रॉ कर लेते हैं। आईज और आईब्रोज और इसका जो माउथ है वो हम यहाँ पर जो है ड्रॉ कर लेंगे, और इसके बाद जो है हम उसमें जो है कलरिंग करेंगे। कलर करने के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही गाइड ने जो है कलर जो है किस तरह करना है, आप वहाँ से सिंपली कलर बना भी सकते हो, और साथ में आपको जो है वहाँ पर ऊपर जो टूल दिखाई दे रहा है इसी कलर के ऊपर आपको छोटा सा टूल बना दिखाई दे रहा है, वहाँ से कोई भी कलर जो है दोबारा से सिलेक्ट करके उसको किसी और जगह पे भी जो है इजीली फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो है इसकी आईज़ को कंप्लीट बना लेते हैं। अब दोबारा से पेन के पॉइंटर को जो है मैं कम कर लेता हूँ। उसके बाद हम जो है इसके हैंड्स को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह एनिमेशन ड्रॉ करना जो है काफ़ी ज़्यादा इजी है, और बिगिनर्स के लिए ये ऐप जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने खुद इसी ऐप के ज़रिए जो है एनिमेशन एडिटिंग जो है वो सीखी है, और एंड में हम इसके हैंड्स को ड्रॉ करने के बाद इसको मूव कैसे कराना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो
सो गाइस, वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती जा रही है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। और मैं जैसा कि आप लोग को बता रहा था कि आपने एक ही तरह का कलर जो है दूसरे पार्ट में किस तरह करना है, तो आपने कलर में जाके उस टूल पे क्लिक करके उस कलर को जो आप दूसरे पार्ट में करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके, और सिंपली जो है आपने दूसरे किसी भी पार्ट में जो है कलर कर लेना है। अब यहाँ पर हम जो है दोबारा से लेयर्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फोटो वाली लेयर को जो हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और बैकग्राउंड वाली लेयर को हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है और करेक्टर जो है वो दोनों जो है बन के तैयार हो चुके हैं। अब सिंपली हमने जो है अपने करेक्टर के ऊपर डायलॉग सेट करना है। गाइज, अब यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले जो अपनी वॉइस ओवर को ऐड करना है, वॉइस ओवर ऐड करने का तरीका मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर कॉर्नर पे आपको जो है आइकन बना दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ से जो है वॉइस ओवर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मोबाइल में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हुई भी है, तो मैंने पहले से ऐड करके रखी हुई थी यहाँ पर वॉइस, वो मैं यहाँ पर जो है ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है मैं उस वॉइस ओवर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जो दोस्त पूछ रहे थे कि यार आप जो है वॉइस ओवर को एडिट किस तरह करते हो, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं वॉइस ओवर जो एडिट नहीं करता, डायरेक्ट वॉइस ओवर करता हूँ। कैपकट में जाके मैं जो है वॉइस ओवर करता हूँ, उसे डायरेक्ट अपनी वीडियो के साथ जो है ऐड कर देता हूँ, एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले वॉइस ओवर ऐड कर लेते हैं अपनी। ये वाली वॉइस ओवर जो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, वॉइस ओवर पहले ऐड करने का मकसद ये है कि ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितने फ्रेम जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। एक बार मैं इसे प्ले करके चेक कर लेता हूँ। हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग? यहाँ से ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है हमारी वॉइस जो है यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर जो है इस जगह पे यहाँ पर हमने जो है क्लिक करना है, तो ऐसे ही है यहाँ पर नीचे आप लोग को बिल्कुल लास्ट में जो है ये पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो हमारी वॉइस जो है ऐड हो चुकी है। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें जो है कितने फ्रेम्स चाहिए, तो यहाँ पर ये टोटल दिखा रहा है 72 फ्रेम्स। तो हमने अपनी जो पहले वाली जो फ़ोटो है जो हमने एनिमेशन की है, हम इसको जो है 72 टाइम्स यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। फ्रेम व्यूवर्स आपको यहाँ दूसरे नंबर पे लिखा नज़र आ रहा होगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको प्रेस करके रखना है, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ नीचे जो है कॉपी का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। मैं 4 फ्रेम यहाँ पे पेस्ट कर चुका हूँ, अब मैं इसको चारों को जो है सिलेक्ट करता हूँ, फिर दोबारा से कॉपी करता हूँ और इनको पेस्ट कर देता हूँ। हमें यहाँ पर जो है 72 फ्रेम्स चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 72 फ्रेम्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने वापसी बैक आना है और अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है इसकी लिपसिंग कर लेते हैं। आपने मेरी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि मेरी जो लिपसिंग है वो एक मतलब कि नॉर्मल लिपसिंग होती है, मतलब इतनी ज़्यादा जो है अल्फाजों पर सेट नहीं हुआ होता माउथ। मैं आप लोग को एक बार जो है यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। अच्छा, लिपसिंग करने के लिए हम जो है इसकी दूसरी लेयर पर आकर इसको पहले यहाँ से रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के लिए हमने इरेजर का यूज़ नहीं करना, यहाँ से हमने जो है कलर पिक करके इसको मिटाना है। हमने यही कलर जो यहाँ पर चूज़ कर लिया और इसके माउथ को यहाँ पर हमने जो है कलर के ज़रिए जो है मिटा दिया है। अब यहाँ पर हमें जो है पीछे वाली लेयर दिखाई नहीं दे रही, तो हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर हमने जो इसका जो खुला हुआ माउथ है उसको कहाँ पर ड्रॉ करना है। तो पहले हमने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा ऑनियन स्किन, आपने इसको जो है ऑन कर देना है और यहाँ से आपने वापसी जो है बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नीचे आपको लेयर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी इसी लेयर को आपने थोड़ा सा ओपेसिटी को यहाँ से जो है कम कर देना है, तो आप पीछे वाला माउथ जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, हमने वापसी कलर को चेंज करना है। ब्लैक कलर में पॉइंटर को ले आते हैं और इसकी जो पॉइंटर की जो नोक है उसको थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं 6 पे, और यहाँ पर जो है हमने इसको जो ड्रॉ कर लिया। अब दोबारा बैक आए कलर,
कलर मैंने यहाँ से पहले ही बना के रखे हुए हैं, तो मैं कलर को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने इसमें कलर कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हम जो क्रॉप का ऑप्शन है, हमने यहाँ से इसको क्रॉप करना है पूरे को, और यहाँ ऊपर एक बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्केल के बिल्कुल बराबर में यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हमने इस पर क्लिक करना है और पहले फ्रेम पर आना है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। 2 3 फ्रेम में हमने तकरीबन इसको जो है पेस्ट करना है, फिर 3 फ्रेम जो हमने खाली छोड़ देना है। ऐसे हमने हर 3 फ्रेम में इसको पेस्ट करना है, 3 फ्रेम खाली छोड़ना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि नीचे आपकी कौन सी जगह जो है वो खाली है, तो आपने खाली वाली जगह में जो है लिपसिंग नहीं करनी, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको। अब यहाँ से जो डायलॉग दोबारा स्टार्ट है, सॉरी, यहाँ से हम दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 अब यहाँ पर जो है हमारी लिपसिंग जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एक बार जो आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। हेलो अब यहाँ जी, पर तो जो है ये आपको बहुत स्लो स्लो इसका मुंह जो है खुलता बंद होता दिखाई दे रहा है, तो लेयर पे क्लिक करता हूँ और पीछे वाली लेयर को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी को फुल कर देता हूँ यहाँ से। अब आप देख सकते हैं। हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग? हेलो सो गाइस, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है इसका माउथ अभी मेरे पास जो है स्लो वर्क कर रहा है, क्योंकि मेरे पास जो है स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ करके देखा है अभी, तो उसमें ये सही वर्क कर रहा है। तो आप जब अपने पास इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो है ये सही वर्क करेगा। तो अब यहाँ पर हमने जो है इसकी जो है आइस है, हमने यहाँ पर इसको जो है आइस ब्लिंकिंग करवाना है। तो आइस ब्लिंक करवाने के लिए हम इसको जो है 40 फ्रेम से इसकी आईज़ के यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। पहले हम इसकी आईज़ को रिमूव करेंगे। रिमूव करने का तरीका ये है कि हमने जो है इसके फेस के कलर को पिक करके यहाँ से पॉइंटर की नोक को थोड़ा मोटा करके आईज़ को यहाँ से रिमूव कर देना है। हमारे करेक्टर में जो है 2 चीज़ें जो है तकरीबन कंप्लीट होने जा रही हैं, एक माउथ, दूसरा जो है आईज़ ब्लिंक। और मैं जो तरीका खुद अपने करेक्टर्स को या अपनी एनिमेशन वीडियोस को बनाने में यूज़ करता हूँ, वही तरीका जो है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। वापसी हमने जो है इसके कलर को जो है ब्लैक कर देना है और पॉइंटर की नोक को जो है 6 पर ले जाना है, क्योंकि हमने शुरू में जो है 6 पर रख कर ही सब कुछ ड्रॉ किया था। अब यहाँ पर जो है 3 डॉट्स पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। हमारी ऑनियन स्किन ऑन है, लेयर्स के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से ओपासिटी को जो है थोड़ा सा कम कर देना है, और यहाँ पर हमने जो है आइस के ऊपर एक खाली लाइन को ड्रॉ कर देना है थोड़ा सा उठा के। उसके ऊपर हमने जो है आईब्रोज को ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर जो हमारी आईब्रोज भी ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हमने इसी पार्ट को जो है क्रॉप करके अगली 3 लेयर्स के ऊपर जो है पेस्ट कर देना है। क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इतने हिस्से को जो है आईज़ के ऊपर से लेके जितना हिस्सा पीछे वाली लेयर में दिखाई दे रहा है उस पूरे हिस्से को हमने यहाँ से क्रॉप करना है। क्रॉप सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगले फ्रेम पे आना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, उसके अगले फ्रेम पर पेस्ट, उसके अगले फ्रेम पर पेस्ट। अब यहाँ से जो है इसकी मैं आपको जो है प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी आईज जो हैं वो ब्लिंक कर रही हैं। अब यहाँ से हमने जो है इसने जो डायलॉग यहाँ पे बोला है उसे एक बार देख लेते हैं। 39 फ्रेम से जो है यहाँ पर इसने बोला है, तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं यहाँ से इसको म्यूट कर देता हूँ और 39 फ्रेम से ही मैं इसके हाथ को जो है यहाँ से मूव कराता हूँ। हाथ को मूव कराने के लिए भी
हमने यही करना है, सेम हमने पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बट अभी मैंने एक चीज़ यहाँ पे जो हमसे गलती हो गई है, मैंने लेयर्स को जो है आपस में मर्ज पहले ही कर दिया। तो आपने जो है हाथ को मूव कराने से पहले आपने भी लेयर्स को जो है आपस में मर्ज कर देना। मैं आपको दिखा नहीं सका क्योंकि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे ऑफ हो गया था। बट जब आप लेयर्स को एक साथ मर्ज कर रहे हो तो आपने ये जहन में रखना है कि आपके जो बैकग्राउंड में जो लेयर है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए और जो करेक्टर वाली लेयर है वो हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और ऊपर वाली लेयर को आपने जो है इन थ्री लाइन्स के ज़रिए जो है पकड़ के नीचे वाली लेयर के ऊपर ला के छोड़ देना है। आपके पास मर्ज का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपली उसके साथ मर्ज कर देना है। मैं एक बार खाली लेयर के साथ इसको मर्ज करा के आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक नई लेयर ऐड की है, थ्री लाइन्स को पकड़ा, इस वाली लेयर पे ला के यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन आ गया। मैं इसको कैंसिल करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए मैंने किया है। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब हमने इसका जो हैंड्स है उसको मूव कराना है। उसके लिए दोनों लेयर आपस में मर्ज हो चुकी हैं तो हमने इसके बैकग्राउंड वाले कलर को पिक करना होगा। उसके लिए हमने यहाँ पर दोबारा से कलर पिकर को चूज़ कर लिया और इसके पॉइंटर की नोक को थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने। अब यहाँ से मैं इसके जो हाथ को है रिमूव कर देता हूँ। मैं जल्दी जल्दी इसको रिमूव कर लेता हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती जा रही है गाइस, तो आप लोगों ने मैनेज कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह की वीडियो में सब कुछ एक ही वीडियो में बताने से वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है मेरी आज की। हम थोड़ा सा पार्ट जो है इसका यहाँ पर छोड़ देंगे। अब दोबारा से कलर को जो है हम ब्लैक कर लेते हैं और पॉइंटर की नोक को 11 पर रख लेते हैं, क्योंकि हमने उसके हैंड्स जो हैं वो 11 पर ड्रॉ किए थे। अब हमने हाथ को थोड़ा सा जो है बीच में लाके यहाँ पर ड्रॉ करना है। अगेन कलर पिकर को लाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर को चूज़ करेंगे और यहाँ पर हम जो है कलर कर देंगे। अब हमने इसको एक लेयर में ऐड कर लिया। अब अगली लेयर में आके जो है हमने इसके हैंड्स का जो हिस्सा है जो अभी हमने ड्रॉ किया है यहाँ से हमने इसको पूरा जो है सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और अगली लेयर में जो है पेस्ट कर देना है। सॉरी, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और अगली लेयर में हमने इसको जो है पेस्ट कर देना है। अब यहाँ से हम इसको जो है रिमूव कर लेंगे। रिमूव करेंगे पेन टूल का यूज़ करते हुए। दोबारा से हमने यहाँ पर कलर पिकर को चूज़ करना है, बैकग्राउंड वाले कलर को लेना है और यहाँ से पॉइंटर की नोक को थोड़ा मोटा करना है और यहाँ से हम इसको जल्दी जल्दी रिमूव कर देते हैं। दोबारा से इसको ब्लैक कर लेते हैं। अगेन जो है पॉइंटर की नोक को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से हम जो है अब हम यहाँ पर इसको जो है दोबारा से कलर कर लेते हैं। कलर हमारा पहले ही सिलेक्ट हुआ था तो हमने यहाँ से जो है इसको ऐड कर लिया। अब हमने जो है इसी हिस्से को क्रॉप करके पूरे इस हिस्से को हमने क्रॉप करना है, क्योंकि आगे जो है हमारा हाथ यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। जैसे बैकग्राउंड में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ये वाला बिल्कुल पहले वाला फ्रेम हमें जो दिखाई देगा। तो हमने पूरे हिस्से को जो है क्रॉप कर लेना है। यहाँ से हमने जस्ट इसके माउथ को छोड़ के इसके कंधे के पास से लेके हमने पूरा ये हिस्सा जो है क्रॉप करना है, कॉपी करना है और अगले तमाम फ्रेम्स के अंदर जो हमने इसको पेस्ट कर देना है। मैं जल्दी जल्दी इसको जो है यहाँ पर जो है पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, कभी कभार ये इशू भी आ जाता है कि आपके बीच में जो है आपको इस तरह की मिस्टेक आ सकती है, तो आपने एक बार जो है अपने ऐप को ऑफ करना है, बिल्कुल ऐप से बाहर आ जाना है, ऐप को प्रॉपर जो है हमने क्लोज कर देना है। यहाँ से जब भी इशू है आपने ऐप को क्लोज करना है, अगेन इसको जो है ओपन करना है, दोबारा से अपने प्रोजेक्ट में जाना है और वही पार्ट आपने दोबारा से सिलेक्ट करके उसको कॉपी कर लेना है। ये पार्ट हमने सिलेक्ट किया था, हम दोबारा से जो है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी करते हैं और अगेन हम इसको जो है पेस्ट कर देते हैं।
सो गाइस, अब यहाँ पर जो है हमारे सारे जो फ्रेम है यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। अब हम एक बार इसको जो है प्ले करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर जो है इसकी वॉइस को भी अनम्यूट कर देता हूँ और एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग? हेलो यहाँ पर जी, तो वॉइस है, कैसे हैं आप लोग? हेलो वॉइस जो है जी, इसकी तो जो हैंड कैसे हैं मूवमेंट है आप? वो थोड़ी सी आगे पीछे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है इसकी वजह से जो है ये एक साथ जो है सेट नहीं हो रहा। बट जब आप इसको अपने पास ट्राई करेंगे तो ये आप लोग को बिल्कुल ठीक लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैंड्स की मूवमेंट वो इस तरह से है। और मैं अपनी जितनी भी एनिमेशन वीडियोस बनाता हूँ, मैं यही तरीका जो है अपनी वीडियोस में अप्लाई करता हूँ। सो आप भी एनिमेशन एडिटिंग जब करेंगे तो आपने यही तरीका अप्लाई करना है। ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आपको ये भी हार्ड लगता है तो आप कोई भी वीडियो जो है रेंडमली यूट्यूब से सिलेक्ट करके उसे अपने पास सेव करके उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और उस वीडियो को जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको सारे फ्रेम्स जो हैं किस फ्रेम में किस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपने उसी के ऊपर जो है सेम टू सेम ड्रॉ कर देना है। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग को जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने लगेगी ये। और एनिमेशन एडिटिंग में कम से कम अगर आप 1 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो आप लोग को तकरीबन 5 से 6 दिन लग जाएंगे 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को ये उतना ज़्यादा ईजी लगेगा। सो आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई थी, उसके लिए सॉरी। बट एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बताना भी ज़रूरी था। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर सकते हैं। इससे मेरी एनिमेशन और एनिमेशन ट्यूटोरियल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल वीडियो इस तरह की बनाऊंगा दोबारा या किसी और वीडियो में जो है मैं और इससे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच जाए। आई होप कि आपकी आज की इस वीडियो से आप लोग को जो है समझ आ गई होगी एनिमेशन के बारे में कि किस तरह जो है आपने आइज ब्लिंक करवानी है, किस तरह आपने लिपसिंग करनी है, और जो है हाथ को जो है आपने हैंड्स को किस तरह मूव कराना है। इसी तरह आपने बस की फ्रेम्स को आपने समझ लेना है और समझ लें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो मिलता हूँ अपनी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।